कोरोना मर गया, कॉलेज स्टार्ट हो गई। और कितना सोएगा कुंभकर्ण, भी सोते हुए इतना नहीं घूरता जितना तू घूरता है। ठीक है मम्मी, उठता हूँ। पापा कहाँ गए? आज क्या वही बिल्लापुर मार्केट, घर तो वही चलाते हैं। हाँ हाँ पता है माँ, एक दिन मैं भी मेहनत करके घर में पैसे ले आऊंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा, चल बाहर काम करना ही होगा। ठीक है मैं नहा के आता हूँ, मेरा नाश्ता लगा लो। अरे बिल्लू जल्दी आ, बाथरूम में सो गया क्या? बिल्लू कॉलेज चला जाता है और उसकी मम्मी अपना मोबाइल निकाल कर रील्स बनाना स्टार्ट कर लेती है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्लू की मम्मी घर रहकर रील्स बनाती है, बिल्लापुर की बहुत सज्जन रीलर है। रास्ते में जब बिल्लू घर आता तो उसको रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा पपी दिखा, जिसने उसे सोचा कि मैं घर लेके जाता हूँ और अपने पेरेंट्स को बुलाता हूँ। अब देखिए आगे क्या होगा। मैं अंदर जाऊँ और मम्मा को बताऊँ? नहीं 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 जाऊँ 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 नहीं 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 जाना तो पड़ेगा ही, चला जाता हूँ। माँ आप बाहर आइए, मैं अपने साथ एक छोटा सा भाई लेके आया हूँ। माँ शांत, मैं आपको सब बताता हूँ। ये मैं जब कॉलेज से वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी के सामने आ गया, वो तो अच्छा हो गया मैंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया। अरे लेकिन इसको रखेगी कहाँ और पापा को कौन मनाएगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं पापा को मना लूंगा। सब जब बुल्लू पापा घर आते हैं तो बुल्लू पापा के पास जाके ये कहता है, मेरे प्यारे पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। अब सब काटना मेन पॉइंट पे आ। हाँ तो मैं कह रहा था कि बताओ या नहीं बताओ, बता तो पड़ेगा ही। हाँ तो मैं कह रहा था क्या हम इसको रख सकते हैं? हाँ आज कुत्ता ले आया है, बिल्ली तो ऑलरेडी है घर में। क्या बोला? अरे अरे कुछ नहीं पापा प्लीज ना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे तू कितना तो ध्यान नहीं पता, अब तेरा ध्यान रखना पड़ता है, तू इसका क्या ध्यान रखेगा? पापा मैं इसका ध्यान रखूंगा ना, प्लीज रखने दो ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, तुझे मैं एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करता हूँ, अगर तूने ठीक से ध्यान दिया तो हम देखेंगे। थैंक यू पापा सो मच। हाँ चल मुस्का मत लगा। अरे बिल्ली चाय लाना तो। हाँ? अरे बिल्ली मैं कह रहा हूँ चाय ले आ। हाँ? अबे चाय ले आ, सुनाएंगी उनके एक बार में। हाँ? अरे भाई तेरी मम्मी तो शायद बवंडर ले आई बेटा, तेरी मम्मी ना शायद रेस बना बना कर पागल और मेरी भी है। क्या बोला? अब ये तेरे को बराबर सुनाई दिया, यहाँ पर तीन बार मैं आवाज दे रहा हूँ चाय के लिए, वो तेरे को पड़ोसी तक चली गई होगी आवाज, अभी तक तू नहीं आई और इतना धीरे से बोल रहा हूँ तब सुनाई दे रहे हैं। पापा एक तो पूरा दिन घर का काम कर लो, ऊपर से तुम बार बार चाय मांगते रहो। अभी बड़ा हो चुका है। देखा पापा, मैंने इसके लिए एक प्यारा सा घर भी बनाया है और इसे मैं रोज टाइम पे खाना भी देता हूँ और घुमाने भी ले जाता हूँ। मैंने देखा, पर तुम इसे रख सकते हो, पर इसका नाम क्या होगा वैसे बताना जरा। वो ना इसका नाम होगा गटिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बिल्लू अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा मुझे आपको और एक बात बतानी थी। तेरे को तो उंगली दे दी, तू तो हाथ ही पकड़ने लग गया, अब क्या हो गया बोल दे। वो ना मैं ना कह रहा था।